Today is Friday, 11th February 2022, Cheshire Electrical Kingdom 15, Volume Introductory, Read, Write and Remember Sincerely. पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए आत्मीयता पूर्वक। तो आत्मीयता पूर्वक याद करना अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है। आत्मीयता पूर्वक इसमें इंसान ऑनेस्ट भी होता है, ट्रूथफुल भी होता है, हार्डवर्किंग भी होता है और पंक्चुअल भी होता है। जब इन सब को मिलाकर घोटिए तो एक शब्द बनता है सिंसियरली। तो सिंसियरली और ऑनेस्टली में कंपेयर कीजिएगा तो सिंसियरली लीड कर जाएगा। सिंसियरली और डिलीजेंटली में कंपेयर कीजिएगा तो सिंसियरली लीड कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। CURRENT करंट, करंट OBN है ओनली बिफोर नाउन, यानी कि केवल और केवल नाउन के पहले इसका यूज होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं इन करेंट टाइम लास्ट में, तो अगर टाइम नहीं होता तो करेंट का यूज नहीं होता। हैपनिंग नाउ ऑफ द प्रेजेंट टाइम, अभी हो रहा या वर्तमान समय में, यानी चालू या वर्तमान। डी पाउच की बात करते हैं, वीएन यानी वर्ब के बाद एक नाउन एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है। To remove somebody specially a ruler from power, पदच्युत करना, किसी को हटा देना, विशेष करके एक शासक को उसकी शक्ति यानी सत्ता से पदच्युत कर देना, ठीक है, सत्ताहीन कर देना। Dispouched, adjective NBN, not before now. Willing or prepared to do something, तैयार किया हुआ। MELANCHOLY, melancholy, melancholy का अर्थ होता है exactly very sad and making us feel very sad, बहुत ज्यादा दुखी और दुखी करने वाला उदासी। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि किसी को अगर ब्रेकअप हो गया है किसी से, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो आप लोग सेफ जोन में है, हरे राम सर का सर गारंटी नहीं लेते हैं, ज्योति मैम का थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो उसको कहते हैं विषादमय। मतलब अंदर से लग रहा है कि पहाड़ जैसा बोझ रखा हुआ है, काटो तो खून नहीं थी, सब कुछ यंग है, तंदुरुस्त है, टक है, लेकिन चल रहे भारीपन के साथ, धक लग रहा है, कहीं दुनिया किसी और दुनिया में है, गाड़ी घोड़ा आ रहा है, कुछ होश नहीं है, तो उसको कहते हैं विषादमय। MIRTH, मर्थ नाउन अनकाउंटेबल, मर्थ नाउन अनकाउंटेबल, हैप्पीनेस फन एंड लाफ्टर, खुशी या मजाक या हंसी, आमोद प्रमोद। व्यर्थ के मर्थ से बचना चाहिए। PESTILENCE, pestilence noun uncountable and infectious disease that kills a lot of people, एक संक्रामक बीमारी जो बहुत सारे लोगों के मौत का कारण बनती है या बहुत सारे लोगों को मार डालती है, महामारी। Today thought, prepared moth is a pestilence, तैयार की हुई महामारी जो तैयार की हुई आमोद प्रमोद एक pestilence यानी महामारी होती है। That deposes an innocent person, जो एक निर्दोष व्यक्ति को उसके सत्ता से हटा देती है, उसके अधिकारों से वंचित कर देती है। And makes his life melancholy in current time, और उसके जीवन को दुखों से भर देती है वर्तमान समय में। ऐसा हो रहा है वर्तमान समय में, ईमानदार लोग को हटा दिया जाता है, उनकी अनसुनी कर दी जाती है, और पैसे वाले या ताकतवर लोग राज करते हैं, पीछे पदों पे हैं। बहरहाल सर, आप में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, किसमें सर? मत है ना सर, हाँ हम पढ़ रहे तो मत निकल रहा है, तो आर साइलेंट क्यों है? तो देखिए, इंग्लिश में सर साइलेंट जैसा कुछ होता नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं।
एम आई आर टी एच है ना, जब आर के बाद अगर कोई वॉवेल हो जाता तो आर का उच्चारण होता ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर इसके बाद कोई वॉवेल होता तो आर का उच्चारण होता ब्रिटिश इंग्लिश में। हम लोग जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, सौभाग्य है कि आप जैसे लोग भी हैं पढ़ने वाले जो ढंग का सवाल पूछते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके बाद एक वॉवेल न हो, और ये साइलेंट वायलेंट नहीं होता है, साइलेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये हम लोग बोल लेते हैं जैसे नौ के नो डब्ल्यू, इसमें हम लोग बोल लेते हैं कि नो साइलेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें नो साइलेंट वायलेंट नहीं है। ये आपको आधा अधूरा ज्ञान है, ये ऐसे लिखाता ही फोनेटिक्स का ज्ञान नहीं है, इसको म हलन जोर अ जोर ह हलन तीनों को जोड़िए।